हेलो एवरीवन दिस इज मोनिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मोनिका एकेडमी आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया के पार्ट वन अ बेकर फ्रॉम गोवा से इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आल्सो पी वाई क्यूज विथ सोल्यूशंस सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इसके अलावा जो आपका टर्म टू का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ जो प्ले है टर्म टू की उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो

जो गोवा के पारंपरिक विलेज है वहाँ पर जो बेकर का फर्नेस है यानी कि जो भट्टी है उसे एसेंशियल क्यों माना गया है तो यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है कि जो ब्रेड है वो काफ़ी ज्यादा जरूरी क्यों है तो दोनों का आंसर जो है वो सेम ही रहेगा आंसर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन्स सो so, अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग प्रकार की जो ब्रेड है उसे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बोलेनास हैड टू बी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स बोलेनास को क्रिसमस पर या फिर जो दूसरे फेस्टिवल्स आते हैं उन पे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है द मदर्स यूज टू प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स इंगेजमेंट और हर मदर अपनी बेटी की जो इंगेजमेंट होती है उस पर सैंडविचेज ज़रूर बनाती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो द बेकर्स फर्नेस वॉज एसेंशियल। इसलिए जो बेकर का फर्नेस है यानी जो भट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि गोवा में हर फेस्टिवल पर या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है उस पर ब्रेड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गोवंस होते हैं उनकी लाइफ में ब्रेड की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन नंबर टूवेल्स आफ्टर रीडिंग द स्टोरी अ बेकर फ्राम गोवा डू यू थिंक आर ट्रेडिशन हेरीटेज वैल्यूज एंड प्रैक्टिस आर द रूट देट नरिश आस वाई वाई नाट ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है अ बेकर फ्रॉम गोवा तो इसे पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि जो हमारे ट्रेडिशन यानी कि हमारी परंपराएं हैं हेरिटेज मतलब हमारी जो विरासत है वैल्यूज़ मतलब मूल्य एंड प्रैक्टिस मतलब जो हमारी प्रथाएं हैं ये सब हमारी रूट्स हैं मतलब हमारी जड़ें हैं जो कि हमें नरिश करती हैं यानी कि पोषण देती हैं हमें सो वाई एंड वाई नॉट आपको ऐसा क्यों लगता है या फिर आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है आंसर इज

इससे पता चलता है कि कैसे हमारी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं वो हमें अपने अतीत और विरासत से जोड़े रख सकती हैं ट्रेडिशनल वैल्यू शेप आर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइडर्स इमोशनल सपोर्ट सो so, ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज यानी कि पारंपरिक मूल्य होते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को शेप देने का काम करते हैं और इसके साथ ही साथ ये हमें इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं दे इनेबल अस टू फेस डिफिकल्ट डिफिकल्टिशन एंड मेक्स अस मेंटली स्ट्रॉन्ग सो यहाँ पर बात हो रही है ट्रेडिशनल वैल्यूज की कि ये हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करने में सक्षम बनाते हैं और साथ ही हमें मेंटली तौर पर स्ट्रोंग भी बनाते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन अवर बिहेवियरल पैटर्न टूवर्ड्स दी अदर पीपल इन सोसाइटी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यानी कि पारंपरिक प्रथाओं का सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार है इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है यानी कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं इनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न पर पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड द बेकर लेट एवरीबडी नो अबाउट हिज प्रेजेंस इन दिलेज बेकर विलेज में अपनी प्रेजेंस के बारे में सबको कैसे बताएगा यानी कि विलेजर्स जो हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि विलेज में बेकर जो है वो आ गया है आंसर इज द बेकर हैड बीन द गाइड फ्रेंड एंड कंपेनियन ऑफ द नरेटर नरेटर जो है वो गोवा में रहते थे अपने बचपन में तो वहाँ पर बेकर जो है वो उनके लिए एक गाइड भी था फ्रेंड भी था और एक कंपेनियन यानी कि उनका साथी भी था he would come to the the village village daily two times at first in the morning and then again after selling all his stuffs. Baker village में हर दिन यानी कि daily दो बार आता था At first मतलब पहले वो morning में आता था and after that जब उसका पूरा का पूरा stuff खत्म हो जाता था जो भी वो बेचने के लिए निकला है जब वो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद वो village में फिर से आता था इन द मॉर्निंग द चिल्ड्रन ऑफ द used to टू up बाय द जिंगलिंग साउंड ऑफ़ the बेकरस बैम्बू सुबह के समय बच्चे और जो विलेजर्स थे वो कैसे उठते थे क्योंकि बेकर जो है जब वो सुबह आता था तो वो अपने साथ एक बैम्बू की स्टिक लेके आता था जिसे वो ज़मीन पर जोर जोर से पटकता था और उससे एक साउंड पैदा होती थी जिसे सुनकर जो विलेजर्स थे और गांव के बच्चे थे वो उठते थे और उन्हें पता चलता था कि विज में जो बेकर है वो आ चुका है क्वेश्चन नंबर फोर इज वट आर दी एल्डर्स इन गोवा नोस्टालजिक अबाउट गोवा के जो एल्डर्स हैं यानी जो बड़े लोग हैं वो किस चीज़ को लेकर नोस्टालजिक फील करते हैं नोस्टालजिक का मतलब होता है पास की जो हैप्पी आपकी मेमरीज हैं उनको याद करना आंसर इज द एल्डर्स इन गोवा नुस्टॉलेजिक अबाउट द गुड ओल्ड पॉचुगेज डेज एंड द पॉर्चुगीज़ लॉव्स ऑफ ब्रेड सो गोवा के जो एल्डर्स हैं जो नरेटर है वो देखते हैं कि जो उनके बड़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नुस्टालिजिक फील करते हैं किस चीज़ के लिए जो ओल्ड पॉर्चुगीज थे यानी जब गोवा में पुराने टाइम में पॉर्चुगी पीपल रहते थे उस टाइम को गोवा के एल्डर्स बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इसके साथ ही साथ पॉर्चुगीज ल ऑफ ब्रेड यानि पॉर्चुगी पीपल जो ब्रेड बनाया करते थे उसको गोवा के एल्डर बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वह बहुत

यहाँ पर बात हो रही है पोर्चुगीज डेज की यानी पुराने टाइम में गोवा में जब पोर्चुगी पीपल रहते थे उस समय बेकर्स जो थे वो एक पेक्यूलर यानी कि एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे जिसे कि कबई कहा जाता था इट वॉज अ लॉन्ग सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक रीचिंग डाउन टू दी नीज यहाँ पर बात हो रही है कबई के बारे में ये एक लंबा सा सिंगल पीस से बना हुआ फ्रॉक हुआ करता था जो कि पहनने के बाद आपकी नीज तक आता था वेन ऑथर वॉज यंग दे देर अर्ट एंड अ ट्राउजर दैट वॉज लॉन्गर देन अ हाफ पेंट एंड शॉर्टर देन अ फुल पेंट क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जब ऑथर यंग थे तो उस समय बेकर्स की ड्रेस कैसी थी तो जब ऑथर यंग थे तो गोवा के जो बेकर्स थे वो एक शर्ट और ट्राउज़र पहना करते थे लेकिन यहाँ पे शर्ट जो थी वो तो वैसी ही थी जैसे कि लोग पहनते हैं बट ट्राउज़र की बात ये अलग थी दैट इट वॉज लॉन्गर देन अ हाफ पेंट एंड शॉर्टर देन अ फुल पेंट मतलब कि ये हाफ पेंट से तो लंबा था जो ट्राउज़र था लेकिन जो फुल पेंट होती है उससे छोटा था तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे कैपरी होती है ये उतना ही लंबा ट्राउज़र हुआ करता था क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ डिड द बेकर अट्रैक्ट द चिल्ड्रेन जो बेकर थे वो बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करते आंसर इज द बेकर अट्रैक्टेड द चिल्ड्रन नॉट बाय हिज जिंगल और बाय द लॉफ्स ऑफ ब्रेड ही सोल्ड बट अट्रैक्टेड द चिल्ड्रन बाय द ब्रेड बेंगल्स और द स्पेशल स्वीट ब्रेड ही सोल्ड बेकर ने बच्चों को उनके जिंगल जिंगल वो साउंड थी जब बेकर्स जो थे अपने बैम्बू स्टिक को धरती पर पटकते थे और उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होती थी उसको जिंगल कहा जाता था या फिर जो उनके द्वारा बेची गई ब्रेड थी उससे ही अट्रैक्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने बच्चों को ब्रेड बेंगल ब्रेड बेंगल क्या था ये बेंगल शेप की ब्रेड होती थी उससे और उनके द्वारा बेची जाने वाली जो स्वीट ब्रेड थी उससे भी उन्होंने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज वट रीजन डज दी राइटर गिव टू सपोर्ट हिज पॉइंट एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज यानी कि एक पारंपरिक गोवा का जो विलेज है उसमें बेकिंग को बहुत ज्यादा एसेंशियल यानी कि बहुत आवश्यक माना जाता है तो लेखक अपनी इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या रीजन्स देते हैं आंसर इज नो फेस्टिवल इन गोवा इज कंप्लीट विदाउट बेकरी प्रोडक्ट्स बी इट मैरिज इंगेजमेंट्स और एनी अदर सेरेमनी सो गोवा में कोई भी जो फेस्टिवल है वो बेकरी प्रोडक्ट्स के बिना कंप्लीट नहीं होता पूरा नहीं होता चाहे वो मैरिजेस हो चाहे वो इंगेजमेंट्स हो या फिर कोई भी सेरेमनी हो उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स का होना काफ़ी ज्यादा जरूरी माना जाता है ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड नॉन इज बोल इज टू बी गिवन विद मैरिज गिफ्ट सो so, गोवा में जब शादी होती है और मैरिज में गिफ्ट दिए जाते हैं उस समय जो गोवा का ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड है जिसे कि बोल कहा जाता है ये उन गिफ्ट के साथ देना काफी ज्यादा जरूरी होता है एट क्रिसमस बॉलीनाज एंड केक्स आर अ मस्ट और जब क्रिसमस का फेस्टिवल आता है उस समय बॉलीनाज और केक्स जो है उन्हें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो गोवा के लोगों की लाइफ है उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा एसेंशियल हैं क्वेश्चन नंबर एट इज इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेयरेंस इज ईजिली कम्पेयर टू अ बेकर एक्सप्लेन आज भी अगर गोवा में कोई पर्सन जो है वो जैक फ्रूट जैक फ्रूट किसे कहते हैं कटहल को कटहल कैसा होता है बिल्कुल गोल मटोल तो ऐसे ही गोल मटोल फिजिकल अपेयरेंस का कोई पर्सन अगर गोवा में दिखाई देता है तो उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है तो इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है आंसर इज ब्रेड मेकिंग इज अ प्रोस्पेरस बिजनेस इन गोवा गोवा में ब्रेड मेकिंग को एक बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिस यानी कि एक समृद्ध बिजनेस माना जाता है और इसमें आपको प्रॉफिट बिल्कुल होता ही होता है द फिजिक ऑफ द बेकर दैट इज हिज प्लम्प एंड राउंड बॉडी आर टेस्टि टू दैट जो बेकर की फिजिक है जो उसका शरीर है जैसे कि उसका प्लम्प एंड राउंड बॉडी है प्लम्प किसको कहते हैं मोटा और राउंड मतलब गोल मटोल जो उसकी बॉडी है ये इस बात का टेस्टीमोनी है टेस्टिमोनी मतलब एविडेंस है प्रमाण है कि जो बेकिंग है वो गोवा में एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस बिजनेस है देयर फोर एनी वन हु वॉज फैट एंड प्ल्प जस्ट लाइक अ जैक फ्रूट वॉज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर क्योंकि गोवा के बेकर्स जो है वो बिल्कुल गोल मटोल होते हैं इसलिए आज भी अगर गोवा में कोई फैट या फिर प्लम्प यानी कि गोल मटोल जैसा कि जैक फ्रूट होता है इस शेप का कोई भी पर्सन अगर दिखाई देता है तो उसे इजिली बेकर से कंपेयर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यम वी मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड बेकर के द्वारा उसका मंथली अकाउंट जो था वो कहाँ पर लिखा जाता था कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था आंसर इज द बेकर हिज मंथली अकाउंट्स ऑन सम वॉल बेकर अपना मंथली अकाउंट जो था वो किसी दीवार पर लिख दिया करता था इसका मतलब है कि वो लोगों को सामान बेचता था लेकिन उनसे पैसे नहीं लेता था बल्कि वो लिख दिया करता था कि उसने कितना सामान किसको दिया है ही यूजली कलेक्टेड इज बिल्स एट दी एंड ऑफ मंथ और फिर वो क्या करता था महीने के आखिर में लोगों से अपने बिल्स कलेक्ट किया करता था यानी कि वो रोज़ सामान बेचता था लेकिन पैसे नहीं लेता था रोज़ बल्कि उसे दीवार पर लिख दिया करता था कि किससे उससे कितने पैसे लेने हैं और हर महीने के आखिर में वो लोगों से बिल्स कलेक्ट किया करता था क्वेश्चन नंबर टेन इज इस ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ हाउ डू यू नो दिस क्या ब्रेड जो है वो गोवा के लोगों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको ये बात कैसे पता है आंसर इज येस ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इवन टूडे ब्रेड आज भी गोवा के लोगों की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिस वी कैन डेफिनेटली से बिकॉज ब्रेड इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ बट ऑल्सो ऑफ इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स लाइक क्रिसमस फेस्टिवल्स वेडिंग्स एंड एंगेजमेंट्स ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं क्योंकि ब्रेड ना केवल उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट है बल्कि उनकी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जैसे कि क्रिसमस है या कोई भी फेस्टिवल हो वेडिंग हो इंगेजमेंट हो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ब्रेड जो है वो गोवन लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो दिस वज ऑल बाउट दी क्वेश्चन आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल दैन ब बाय एंड टेक केयर